हाँ, मैं विशाल। मैंने ठोकर खाकर के ज़िंदगी से एक चीज़ तो सीखी कि जब आपका गोल सेट नहीं होता ना, तो आप ज़िंदगी में वो काम कर रहे होते हो जो आप करना नहीं चाहते। जैसे मैं किसी का नौकर बन गया, जैसे मैं और आप जॉब का नाम देते हैं। मुझे किसी की जॉब से, मुझे किसी की नौकरी से कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं हूँ ना, नौकर नहीं बनना चाहता था। लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता था, बड़ा करने आया था, पर कहाँ, जिम्मेदारियाँ हैं ना, वहाँ नहीं बढ़ने देती आगे। पर मैं हारा नहीं हूँ। कहते हैं स्टार्ट करने की कोई उम्र नहीं होती। मैं उड़ूंगा, बहुत ऊंचा उड़ूंगा। सो हेलो गाइस, एंड मैं लेके आया हूँ आपको मेरे सबसे फेवरेट जगह पे, जो अक्सर जब भी परेशान होता हूँ या कोई भी प्रॉब्लम होता है, मन में कुछ अशांति होती है, तो मैं यहाँ आके बैठ जाता हूँ। यहाँ मेरे अलावा या तो किसी चिड़िया की आवाज़ या एक जानवर होता है ऐसी आवाज करता है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। और ये शांत पेड़, ठंडी हवा, और मेरे पीछे हरिद्वार से आ रही है गंगा मैया। सो आप मेरे पीछे देखोगे पूरा का पूरा शांत एकदम, कहीं कुछ भी, कहीं किसी तरीके का कोई अशांति जैसा माहौल नहीं है। ये जगह मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है, कभी खाली हो, कभी शांत हो, बस यहाँ के भाई बैठ जाना, कसम से बता रहा हूँ, मज़ा ही ना आ जाए ना, तो मेरा नाम बदल देना। ये खेत के अंदर से रास्ता जा रहा है, लगभग 3-4 किलोमीटर आप अंदर जा सकते हो, पूरा मजा कर सकते हो। लग रहा है ना जैसे हम वृंदावन में परिक्रमा कर रहे हो, जैसे गोवर्धन की परिक्रमा होती है, बिल्कुल सेम परिक्रमा ऐसे ही होती है गोवर्धन। ये देखो दिस इज द फेवरेट प्लेस एक्चुअली। सो यहाँ से हम जा सकते हैं नीचे, बहुत कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ से मैं नीचे नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा गहरा होता है। सो इधर और इधर आप दोनों तरफ देख सकते हो। मैंने आपको बताया अक्सर हम नीचे अक्सर जाके बैठ जाते थे, पुराने टाइम की बात है, अब तो खैर हम लोग नहीं आते यहाँ पे, लेकिन हाँ आज भी अगर किधर आना होता है, या बचपन में मैंने काफी वीडियो शूट करी है यहाँ पे। लेंस गंदा हो रहा है क्या? अब ठीक है। सपने होते हैं ना, वो आपके साकार हो या ना हो, लेकिन आपको एक टाइम पे ऐसा जरूर लगता है कि मेरा जो पैशन है वो मुझे एक बार तो कहीं यूज कर लेना चाहिए। ये जो रास्ता है ना, ये रास्ता सीधा जाता है हरिद्वार, मैंने पहले भी आपको बताया था, और ये रास्ता अभी तो टूट रहा है, बट 4-5-6 किलोमीटर आगे जाने के बाद ये रास्ता इतना एडवेंचर है। इस रास्ते से हरिद्वार जाने का जो एडवेंचर है वो मुझे लगता नहीं कि आप कभी इंजॉय कर पाओगे। जो जो व्यूअर्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, कभी ट्राई करना मवाना से हरिद्वार जाने के लिए वाया ये रास्ता, कई सारे गाँव को कनेक्ट भी करता है, लेकिन बहुत बहुत शानदार और शांत एरिया है, क्योंकि ये शहर से लगभग 15-20 किलोमीटर पीछे निकल जाता है, और फिर उसके बाद यहाँ पे सूरत कोई प्रदूषण, कोई पोल्यूशन किसी भी तरीके का नहीं है। देखो आप यहाँ कितनी शांति है, आवाज़ आ रही है पेड़ की, चिड़िया की, ये एकदम शांत गंगा, मैं तो इसको गंगा ही बोलूँगा, यहाँ लोग इसको नहर बोलते हैं, बट ये आ रहा है इसका जल सीधा हरिद्वार से, क्योंकि मैंने इसको देखा है, मैंने इसको फॉलो किया है, और फॉलो करते करते मैं इसको मवाना तक छोड़ा है, छोड़ने के बाद ये सीधा निकल जाती हैं जहाँ तक भी मुझे नहीं पता, बट ये आ हरिद्वार से ही नहीं है, और हरिद्वार में गौमुख से आ रही है, तो ये पवित्र यहाँ तक हो, क्योंकि ये रास्ता इतना सारा रास्ता ट्रैवल करके आती है, इतने सारे गाँवों को जोड़ के आती है, इतने सारे गाँवों को ये जल पिला के आती हैं। अपना रेस्पेक्ट है गंगा माँ के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जल, वायु, भूमि, ये सब 5 तत्व होते हैं, तो उसमें से जल बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, तो शायद इसलिए मुझे कनेक्टेड रहता है थोड़ा नेचुरल चीज़ों के साथ। सो मेरा बचपन गांव में निकला, गांव इज लाइक मतलब मेरा जो ये शहर है, तहसील बोल लो या जो भी, कुछ ज़्यादा इच्छाएं कभी रही नहीं जीवन में, और गांव से कनेक्ट होने के नाते मुझे कभी कोई शहर की जो चीज़ें होती हैं कभी अट्रैक्ट करती भी नहीं है। सो मैं कभी अट्रैक्ट नहीं होता इन सब चीज़ों से, बड़ी बिल्डिंग, स्मॉल, मेरा एक फ्रेंड है मुझे बोलता रहता है कि वहाँ मेरा जाने का कभी मन नहीं करता। एक्चुअली जो नेचुरल ब्यूटी लोग ढूंढते हैं ना, वो मेरे शहर में ही है। जब बाहर से आप स्थिर दिखो और मन अशांत हो ना, तब ढूंढता है इंसान ऐसे रास्ते। सुबह सभी दोबारा से चढ़ते हैं, शाम के टाइम यहाँ पे आके बैठने का मजा ही कुछ और है। गाड़ी खड़ी है हमारी उधर। जब कभी भी वृंदावन जाता हूँ तो वहां एहसास होता है कि सुख से जीने के लिए पैसे की नहीं, मन शांत होने की जरूरत है। और मैं हर सुबह उठ के ये उम्मीद के साथ कि शायद आज कुछ अच्छा होगा, शाम को लेके आता हूँ मायूसी, स्ट्रेस, मन की थकान और अशांत मन। और अगर इन उथल पुथल के साथ हम अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, तो इसे जीना नहीं, काटना बोलते हैं।
और एक बार फिर से पुरानी यादों को ताज़ा करके फिर लौट चला हूँ घर की तरफ कि शायद अब कुछ अच्छा होगा और अब कुछ नया करूँगा। एक उम्मीद, एक आस और मन में खुशी कि शायद जीवन में वो ऊंचाइयाँ मुझे आज से मिलेंगी। खैर छोड़ो, ना मैं हवा को बदल सकता, ना मैं फिज़ा को बदल सकता, ना पानी को बदल सकता और ना इन रास्तों को बदल सकता, बट एक चीज़ अभी भी मेरे हाथ में है जिसे मैं ही बदल सकता हूँ और वो है वक्त, और वो बदलेगा, ज़रूर बदलेगा। और ये थी मेरी 30 साल की जर्नी इस 4 मिनट में। अगर आप कहीं भी इस वीडियो से कनेक्ट कर पाए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहना। मैं ऐसी स्टोरी इस चैनल पे डालता रहूँगा।